marhaba marhaba ya rasulullah marhaba ये बिल्कुल हमारा ये जो देश है इसमें सभी जाति धर्म के लोग बिल्कुल शांततापूर्ण वातावरण से रहते हैं और एक मैसेज है कि भाई एक दूसरे पे अपने जिद पे अड़े न रहते हुए दूसरे दिन निकाल कर ये अपने शांति का मैसेज अपने देश को और पूरे जग को दिया है। सामाजिक सौहार्द, प्रेम, एकता और बंधुत्व का संदेश देते हुए मुस्लिम समाज ने ईद मिलाद एक दिन बाद किया, यानी कि अनंत चतुर्थी के दूसरे दिन मुस्लिम समाज ने जुलूस निकाला। साथ ही साथ धर्मगुरुओं ने एक अच्छा मैसेज भी दिया। आइए जानते हैं, हमने इस संदर्भ में धर्मगुरुओं से बात की, साथ ही साथ पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन से बात की। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यकीनन आज का दिन हमारे लिए, हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है। हम सब के आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। आज आपकी विलादत का दिन हम सब के लिए रहमत बनकर आया और गरीबों का गुमगुसार बनकर आया। आज का दिन नहायत ही मुबारक दिन है, बरकत वाला दिन है। आज के दिन में हम लोग जो कुछ भी खर्च करते हैं उसके बदले में सरकार की तरफ से बहुत कुछ इनामात मिलते हैं, जैसे कि हदीसों में भी आता है। आज जितने लोग भी जिस अंदाज में भी शरीक हैं इस मिलाद में, सबको इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ना कुछ उनके हैसियत के मुताबिक उनको ज़रूर मिलेगा। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन का पैगाम लेकर आए, इत्तेहाद का पैगाम लेकर आए, मोहब्बत का पैगाम लेकर आए और भूखों को खाना खिलाने का पैगाम लेकर आए, कमज़ोरों के साथ देने के लिए पैगाम लेकर आए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सरकार के आने से हम लोगों को उसका सबक मिलता है। हम दुआ करते हैं कि हम जश्न ईद मिलादुन नबी के साथ साथ पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आम करें, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहें, मिलजुल कर रहें, मोहब्बत के साथ रहें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे की इज्जत करें, इंसानियत का हम सब ख्याल रखें। अल्लाह ताला जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर तमाम शरीक होने वालों की शिरकत को कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जुलूस हर साल की तरह इस साल भी निकल रहा है और मुसलमानों के छोटे बड़े सभी मिलकर निकाल रहे हैं। ऐसे मौके पे हम अपने मुस्लिम नौजवान बच्चों को कहेंगे कि वो डरक से दूर रहें, बेरोज़गारी से बचें, तिजारत करें, छोटे छोटे तिजारत करें और अपने को माली तौर पर मजबूत और मुस्तहकम करें। हम ये पैगाम देंगे कि आज हम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुलूस में आके उनके लाइफ हिस्ट्री से ये सबक लेना चाहिए कि हमारे प्रॉफेट ने तिजारत करने को बड़ी अहमियत दी है। हमारे मुस्लिम नौजवान भी तिजारत की तरफ तवज्जो दें ताकि उनकी बेरोज़गारी ख़त्म हो, ड्रग्स, शराब और जुआखोरी वगैरह से बचने की कोशिश करें। यह हमारा मैसेज है। MD है, इस तरह के जो खुराफात जो समाज में बुरी तरह से बच्चों को मुतासिर किए हुए हैं, इन तमाम खुराफातों से हमारे नौजवान बच्चे बचें, तालीम की तरफ, तिजारत की तरफ, एकता की तरफ, अखंडता की तरफ, प्यार की तरफ, आपस में भाईचारे की तरफ वो दौड़ें और एक साथ मिलजुल के रहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में तो इससे भी कई गुना ज़्यादा जुलूस होना चाहिए। लिहाजा हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि इस जुलूस को हर साल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए और जो लोग शरीक नहीं होते वो भी शरीक हों। और ये मुसलमानों का सिर्फ जुलूस नहीं है बल्कि ये तमाम इंसानों का जुलूस है, चाहे वो किसी भी कौम और मज़हब और मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हों, उन्हें चाहिए कि इस जुलूस में शरीक हों, क्योंकि ये सबसे बड़े इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह का जुलूस है। इस तरह का मैसेज देना चाहेंगे शहरवासियों को आप? शहरवासियों को मैं यही जुलूस दे यही मैसेज देना चाहूँगा कि चूँकि हमने इस साल इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की है कि ये जुलूस हमारा कल होना था,
लेकिन हमने अपने हिंदुस्तानी भाइयों, हिंदुओं का ख्याल करते हुए, हिंदू भाइयों का ख्याल करते हुए उनके विसर्जन को आराम से होने दें, किसी तरह का कोई इख्तलाफ या कोई टकराव ना होने पाए, तो हमने अपने आप को एक दिन बाद में कर लिया। ये हमने अमन का पैगाम दिया है। इसी तरह हम हर इंसान को, हर मज़हब वाले को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कभी भी मौका आए तो जिस तरह हमने कुर्बानी दी है, इसी तरह आप हजरात भी किसी और मौके पर कुर्बानी दें। ये इंसानियत का पैगाम है। हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ईद मिलादुन्नबी जो कल थी, उसकी मैं पुरखलुस मुबारकबाद सबको पेश करता हूं। साथ ही में कल जो गणेश चतुर्थी पूरी हुई, उसकी भी पुरखलुस मुबारकबाद सबको पेश करता हूं। हिंदुस्तान ये जो मुल्क है, ये मोहब्बत और भाईचारगी इसके नस नस में बसी हुई है, और मैं दोनों कौमों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि कल गणेश चतुर्थी के चलते आज जो ईद मिलादुन्नबी का जुलूस पूरे महाराष्ट्र में होता है, जो 28 तारीख को होता है, 12 रबीउल अव्वल को होता है, उस पर सारे लोगों ने फैसला किया और आज 29 तारीख को जुलूस निकालने का फैसला हुआ, और उसके तहत आज पूरे महाराष्ट्र में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाल करके खुशी मनाई जा रही है। आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। उनकी आमद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं, कुरान शरीफ जो नाजिल हुई, इसके तहत इंसानियत की राह बताने का सिलसिला शुरू हुआ, और प्यार, मोहब्बत, एकजुटी तमाम रिश्तों के ऊपर, हर इंसान को अपने हर रिश्ते पे उसके फ़र्ज़, मज़हब के सारे अरकान, सदका, नमाज, रोज़ा, हज, उम्रा, नियाज़े, गरीबों की, बेवाओं की, मजलिमों की मदद करना, इसके मिल रहे, उसके चलते मिल रहे सवाब, ये सब आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़रिए अल्लाह ताला की बातें लोगों तक के और आवाम तक के पहुंचाई। और ये दुनिया जब तक कायम है, ये सारे अरकान इस्लाम में बताए हुए सारे फ़र्ज़, ये दुनिया इस पर अमल करेगी, और इसी के वजह से प्यार, मोहब्बत, एकजहती इस मुल्क में और दुनिया में कायम रहेगा। आप देख रहे थे वाईएसआर न्यूज़ में अज़ीम तांबोली, मीरा रोड।